देखिए, हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट शुरू कर दिया है, उसके अंदर हमने इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से कर लिया है। ये सभी इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ऐसे ही एक इफेक्ट और हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेजोनेंस इफेक्ट। अंतर ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट में किस तरह के इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ था, शिफ्टिंग हुई थी, वो था आपको अच्छे से मालूम है, सिग्मा। अब पहली बार हमारे लिए बात करने जा रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि पी ऑर्बिटल। सही है, पी ऑर्बिटल का मूवमेंट किस तरह से होगा वो हमें देखना है। तो हम बहुत आसानी से कहते हैं, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना ही मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम कुल मिला के सारे इफेक्ट हमारे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। मेन टारगेट हमारा है स्टेबिलिटी ऑफ इंक्रीजेस ऑफ मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? तो हम इसी को आगे डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा हेडिंग डलेगा रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट में तो सबसे पहला डेफिनेशन लिखी है, द डीलोकेलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड ये कॉन्जुगेटेड क्या है इसको हम और आगे देखेंगे, कॉन्जुगेटेड पैरेलल एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन पैरेलल। पैरेलल के लिए आपके लिए पी ऑर्बिटल सबसे बेस्ट है, पी ऑर्बिटल्स ब्रैकेट में लिख लीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हमारा रहेगा डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉन्जुगेटेड पैरेलल पी ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट रहेगा हमारा, ड्यू टू डी लोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑब्लिक आयन इंक्रीजेस। नेक्स्ट इन द रेजोनेंस इफेक्ट, नेक्स्ट लाइन, इन द रेजोनेंस इफेक्ट ओनली पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्टिसिपेट, पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्टिसिपेट। पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन में आपको पहले ही बता दूं, दो तरह के बॉन्ड होते हैं, आप बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, जनरेट बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड हमारे लिए होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। जो बच्चे ये नहीं जानते कि हाइब्रिड ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, उनके लिए थोड़ा सा और, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑर्बिटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन तरह के हैं, sp, sp2 या sp3 आपको देखने को मिलेंगे। खैर, sp हो या sp2 हो या sp3 हो, हर एक का लुक ऐसा ही होता है। जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल
एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं एस, पी या डी। एस हमेशा हाइब्रिड में चला जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। तो फिजिबल कौन सा दिखेगा आपको? पी, क्योंकि डी जनरली आपको कार्बन में नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? जनरली बोल रहा हूँ, कार्बन कार्बन में तो हमेशा ही नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ और एटम में जैसे नाइट्रोजन, जैसे फास्फोरस, सल्फर, इनमें डी ऑर्बिटल देखने को मिलता है, या हेलोजन्स, तो वहाँ पर डी ऑर्बिटल भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है, लेकिन मोस्टली हमारे लिए यही होगा, मोस्टली रेजोनेटिंग ऑर्बिटल। हम सबको ये मालूम है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, या सुनो पक्का, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाते हैं? ऑर्बिटल जनरेट ओनली सिग्मा बॉन्ड, जब या फिर लोन पेयर भी रखते हैं और लोन पेयर, जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल जनरेट पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर, यानी लोन पेयर दोनों में हो सकता है, एटॉमिक ऑर्बिटल में भी हो सकता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी हो सकता है। अंदर तक बैठा लो दिमाग में, समझ में आ रही है बात? तो क्या मैं ये कहना सही रहेगा कि कोई भी एटम है वो कार्बन ही, देख लीजिए आप, इसमें ये सिग्मा है, पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, तो चारों सिग्मा है, एटॉमिक ऑर्बिटल होगा क्या? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन डू नॉट हैव एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें तो सारे सिग्मा है, तो sp3 हाइब्रिडाइज कभी भी ये रेजोनेंस भी नहीं शो करेगा, एंड डज नॉट शो रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस नहीं शो करेगा, sp3 दिखते ही रेजोनेंस नहीं है। कहां से शुरू होगा? sp2 या फिर sp। आप मुझे बताएं कि हमारे पास दो और कार्बन है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये sp है, ये sp2 है, क्या मैं सही हूं? बोलो हाँ। तो क्या इसके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है? हाँ, एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जनरेट बाय एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसीलिए हम ये भी लिख सकते हैं, सो दैट अबव कार्बन कैन शो रेजोनेंस इफेक्ट। ये दोनों ही कार्बन हमारे लिए रेजोनेंस शो कर सकते हैं, करेंगे जरूरी नहीं है, कर सकते हैं, ये तो करेगा ही नहीं, मना कर देगा सीधा, देखते भैया मैं तेरी हेल्प नहीं कर रहा। अब ये मदद के लिए तैयार हैं, करेंगे या नहीं करेंगे उस पर क्वेश्चन मार्क है, समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? तो ये कब करेंगे वो हमें पढ़ना है। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो मुझे रेजोनेंस का मिला, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस जो मुझे मिला इज बेंजीन।
बेंजीन मुझे देखने को मिला, मुझे बेंजीन की ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिली। समझ में आ रहा है? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिली, मुझे लगा बेंजीन ये है, किसी ने कहा ये है, दोनों है। तो दोनों ही स्ट्रक्चर को मैंने क्या नाम दिया, रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। दोनों पॉसिबिलिटी थी, लेकिन बाद में पता चला आफ्टर रिसर्च कि ये दोनों ही नहीं, मेन स्ट्रक्चर दोनों की मिलके बनती है। यानी इस तरह से हम पहले सोच रहे थे ये है, किसी ने कहा ये है, यहां पाई भाई, किसी ने कहा नहीं यहां पर है, दो दो अलग, और ये दोनों अलग अलग बेंजीन है, ये एक दूसरे के आइसोमर्स होंगी। नहीं, ये एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं है, ये एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ना बेंजीन ऐसे रहेगा, ना बेंजीन ऐसे रहेगा, बेंजीन ऐसे रहेगा कि कभी पाई बॉन्ड इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, यानी हर जगह विद्यमान है। समझ में आ रहा है? तो इससे पाई बॉन्ड पर्टिकुलर जहां था वहां वीक हो गया, जो नहीं था वहां आपको पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो इसको हमने नाम दिया हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस से क्या दिखाई दे रहा है, जहां पाई बॉन्ड नहीं था, सपोज यहां नहीं था, वहां पाई बॉन्ड आ गया, और जहां था वहां थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। तो रेजोनेंस से जहां डबल बॉन्ड था वहां तो सिंगल बॉन्ड की तरह मूव कर गया, और जहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड की तरह मूव कर गया। तो दोनों ही जगह आपका बॉन्ड क्या रह गया, 1.5 1.5। तो बॉन्ड यहां पर भी 1.5 1.5 1.5 1.5, और अब जो बॉन्ड लेंथ है वो ना तो डबल बॉन्ड की है ना सिंगल बॉन्ड की है, 1.5 की है। हमें ये पहली बार पता चला और हमने इसका नाम रेजोनेंस इफेक्ट रख दिया, और जो पॉसिबल स्ट्रक्चर थी उनको हमने नाम दिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जो रियल स्ट्रक्चर थी वो हमारे लिए नाम हुआ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? अब अपन को ये भी लिखना पड़ेगा कि एक ही मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत सारी हो सकती है, जबकि हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक होती है। लिखना शुरू करें अपन। हाँ बोलो बेटा। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ ऐसे समझिए बेटा आप, इसको जब साइंटिस्ट सारे एक साथ बेंजीन को बना रहे थे तो उनके दिमाग में जो शुरुआत में आया उन्होंने कहा बेंजीन ऐसी होती है। समझ में आ रहा है? जहां डबल बॉन्ड होगा वहां बॉन्ड छोटा होगा, जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां बॉन्ड क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे पास हो रहा था 1.34 अंगस्ट्रम, क्योंकि डबल बॉन्ड है, और यहां हमारे पास क्या हो रहा था, 1.54 अंगस्ट्रम। दो तरह की बॉन्ड लेंथ हमें मिल रही थी। साउंड? तो इस तरह से क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? लेकिन अब जब प्रैक्टिकली करा गया तो हमें ऐसा मिला, हमें सारी बॉन्ड लेंथ बराबर मिल रही है, ना तो वो 1.34 है वो ना 1.54 है, वो इनके बीच की वैल्यू, मैं रैंडमली लिख रहा हूं, वो आपके बीच की वैल्यू है, और लमसम 1.4 अंगस्ट्रम के आसपास आ रही है सभी। यानी इन दोनों का जस्ट एवरेज अप्रोक्सीमेट हमारे लिए आ रहा है। समझ में आ रही है? अब कोई और बात? बस ये हमारे लिए पॉइंट था। तो ये मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा और सारी बॉन्ड लेंथ हमारे लिए क्या हो गई, लगभग लगभग बराबर हो गई। तो ये ऐसा तभी हो पाया जब रेजोनेंस, अगर नहीं होता तो हमें किस तरह की लेंथ मिलती, दो मिलती। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये सिर्फ समझाने के लिए हाइपोथेटिकल थी, रियल स्ट्रक्चर यही रहेगी। तो पहले तो आपको यह समझना है कि
रेजोनेंस होगा कब कब, उससे क्या इफेक्ट होंगे, क्या बेनिफिट होंगे, एप्लीकेशंस क्या बनेगी, ये सारे हमारे एक एक करके आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो मैं कुछ खास पॉइंट बता रहा हूं आपको रेजोनेंस होने के लिए, साथ साथ क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे। पहले तो ये चीज क्लियर है, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। हेडिंग डलेगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रेजोनेंस, क्लासिफिकेशंस ऑफ रेजोनेंस, मतलब हम रेजोनेंस का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो पहले अच्छे से समझो कि रेजोनेंस है किस लिए था, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन किस किस तरह से मिल सकता है आपको, सबसे पहले पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड होगा तो हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन होगा पाई बॉन्ड वर्सेस पाई बॉन्ड, सबसे पहला क्लासिफिकेशन, समझ में आ रहा है? दूसरा पाई बॉन्ड वर्सेस एक और एटॉमिक ऑर्बिटल हम बात कर सकते हैं, पाई बॉन्ड वर्सेस हम बात कर रहे हैं लोन पेयर, किसी कार्बन पे लोन पेयर है, समझना। तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल में भी हो सकता है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी हो सकता है। तो ये पाई बॉन्ड तो एटॉमिक ऑर्बिटल में ही होता है, ये तो पैदा ही एटॉमिक होता है, लेकिन लोन पेयर वो वाला पार्टिसिपेट करेगा जो एटॉमिक ऑर्बिटल में है, समझ में आ रहा है? या थर्ड हम बात कर रहे हैं इसी का एक और क्लासिफिकेशन, पाई बॉन्ड वर्सेस कार्बो एनायन, कार्बो एनायन, कार्बो एनायन यानी कार्बन पे माइनस चार्ज। तो यहां पर भी आपके लिए लोन पेयर होगा, कार्बन पे माइनस चार्ज का मतलब लोन पेयर होता है, जबकि कार्बन पे प्लस चार्ज का मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, ठीक है? तो वो भी हमारे लिए लोन पेयर का ही काम कर रहा है। फोर्थ पाई बॉन्ड वर्सेस जो हम रेजोनेंस देखेंगे कार्बो केटायन, कार्बो केटायन, ठीक है? तेरे पास पाई बॉन्ड है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो क्या रेजोनेंस में एम्प्टी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाला इलेक्ट्रॉन देगा हम ले लेंगे, समझ में आ रही है बात? तो बहुत अच्छा है। फिफ्थ जो भी हमारा पॉइंट है पाई बॉन्ड वर्सेस, हमारे पास पाई बॉन्ड है डी ऑर्बिटल, या डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, हम पाई बॉन्ड तो ले ही सकते हैं, लोन पेयर वर्सेस डी ऑर्बिटल भी लेंगे हम, ये सारे हमारे रेजोनेंस के अलग अलग कंडीशंस हो रही है। कार्बोकेटायन यानी सी प्लस वर्सेस लोन पेयर, लोन पेयर के बीच में भी ये रेजोनेंस देखने को मिलेगा आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेजोनेंस का एक टाइप है हमारे लिए। इसके अलावा हम डांसिंग रेजोनेंस और पढ़ेंगे, ये अलग ही तरह का रेजोनेंस इफेक्ट है। तो रेजोनेंस सबसे पहला कौन सा पढ़ रहे हैं हम, पाई बॉन्ड वर्सेस पाई बॉन्ड रेजोनेंस, शुरू करें। हेडिंग डाल चुके हैं आप, पाई बॉन्ड वर्सेस पाई बॉन्ड रेजोनेंस। देखो मुझे सपोज फ्लो में जाना है, एक सड़क है फ्लो में जा रही है, बिल्कुल मैं सड़क के किनारे किनारे चलता जा रहा हूं,
अचानक नदी आ गई, तो क्या मैं उस तरफ बिना पुल के जा सकता हूँ, ब्रिज के जा सकता हूँ? नहीं ना, मेरा वहीं काम रुक जाएगा। जो सड़क के उस तरफ है वो भी आगे तक जा सकता है सड़क में, लेकिन वो वाला इस तरफ नहीं आ सकता, मैं उस तरफ नहीं जा सकता नदी की वजह से। तो यहाँ नदी का काम कौन करेगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर अच्छा खासा फ्लो चल रहा हो और बीच में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया, तो वो वहीं रेजोनेंस को ब्रेक कर देगा, क्योंकि रास्ता ही नहीं प्रोवाइड कर रहा हो। इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट के लिए एक कार्बन से दूसरे कार्बन जाना है, और मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? एटॉमिक ऑर्बिटल। हर एक कार्बन पे एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज में सारे के सारे, यानी कि चारों के चारों ऑर्बिटल कौन से हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल है। चार से ज्यादा ऑर्बिटल हो नहीं सकते, वैलेंस। तो चारों ही हाइब्रिड है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल कहाँ से लाएगा? वो लाने को मना कर देगा, होगा नहीं, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और ना आगे ब्रेक भी कर देगा। कर तो नहीं रखो, लेकिन आगे ब्रेक भी कर दिया, मैं ना तुझे इससे मिलने दूंगा ना इसको तुझसे। तो जहां मेरा sp3 हाइब्रिडाइज है, हो सकता है इस तरफ हो सकता है इस तरफ हो, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे लिए बहुत सारे पॉइंट्स हमारा इंतजार कर रहे हैं रेजोनेंस के लिए। तो हमारा जब पाई बॉन्ड वर्सेस पाई बॉन्ड रेजोनेंस होगा, तो हम बहुत इजीली एग्जांपल लिख रहे हैं कि रेजोनेंस कैसे दिखाई देगा। पहले तो ये देख लीजिए, ये सिंपल सा दिखने वाला कंपाउंड जो आपको दिख रहा है, पता है क्या है वास्तव में? देखा जाए, आप इसको अगर लिखते थे तो ऐसे लिखते थे, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 ऐसे लिखते थे। क्या सभी कार्बन की चार वैलेंसी है? हाँ, बहुत आसानी से दिखते थे। या आप इसको ऐसे भी लिख देते थे, कोई आपको कुछ नहीं कहता था। समझ में आ रहा है? लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, आप ऐसे लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं, आप सिर्फ रिप्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉलिक्यूल को। एक्चुअल उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? जब भी कोई कंपाउंड में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, एक पाई बॉन्ड आते ही sp2, एक और आते ही sp, तो बता सकते हैं ये कौन सा हाइब्रिड है? sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। अगर एक भी पाई बॉन्ड नहीं होता तो sp3 हो जाते हैं। यह सुनो, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और sp लीनियर, और sp3 टेट्राहेड्रल। इतना हम सब जानते हैं। तो मेरे को जब इसका एक्चुअल शेप मॉलिक्यूल फॉर्मूला बनाना है, शेप वाला, तो मुझे इसको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। देखो ट्रायंगल दिख रहा है, इसको भी ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल दिख रहा है, इसको भी ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल दिख रहा है, और इसको भी ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। देखो सब पे आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायगोनल प्लेनर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बोलो। हाँ, तो ट्रायगोनल प्लेनर दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है? ये मान लीजिए सारे कार्बन और हाइड्रोजन जो व्हाइट चौक से बन रहे हैं, ये इस बोर्ड पर है, और ये जो ऑरेंज चौक से मैंने बनाया है, ये इसके पैरेलल है, यूं इनमें पाई बॉन्ड बन रहा है। समझ में आ रही है बात? तो होगा क्या, ये हमारे पास इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हर मॉलिक्यूल को ऐसे बनाना बहुत पॉसिबल नहीं लग रहा था मुझे, तो मुझे इजी कौन सा लगा? ये समझाने के लिए यही मेरे को सबसे अच्छा लगा। मैंने ये कहा कि ये जो पाई बॉन्ड का क्लाउड है, ये उठ के इसके पास भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके पास भी है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो यहाँ था, ये देखा जाए तो ये दो इलेक्ट्रॉन ही इस जगह पूरी जगह होते हैं। समझ में आ रहा है? ये उठ के इस तरफ आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ गए। तो जब आप इसको यहां शो करेंगे तो कैसे करेंगे? ये यहां गया, ये यहां आया, शो कर दिया। तो इससे क्या होगा? यहां पाई बॉन्ड बन गया।
समझ में आ रही है, इसको लॉस हो गया क्योंकि इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका था, इसको लॉस हुआ, तो इसके ऊपर क्या चार्ज लगाओगे आप? प्लस। और इसको एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया क्योंकि पहले दो इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक सामने वाले का था, अब दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आ गए? इसी के ऊपर। इसके ऊपर लोन पेयर भी आ गया। समझ में आ रहा है? आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला दोबारा से डायग्राम बनाता हूं मैं, देखना। हाइड्रोजन अपनी जगह पर ही है, बहुत ध्यान से देखिएगा आप। ये सब एक दूसरे के पर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के प्लेन में है, कोप्लेनर है। समझ में आ रहा है? तो जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो यहां आ गए, समझ में आ रहा है? और ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? यहां। तो ये लोन पेयर बन गया और इसको लॉस हो गया, खाली ऑर्बिटल है। जब कार्बन के पास खाली रहेगा बिल्कुल, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? प्लस। और जब इसके पास लोन पेयर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। इस बीच वाले कार्बनों के साथ कोई फर्क नहीं पड़ा, वही तीन वैलेंसी, एक दो तीन, और वही दो इलेक्ट्रॉन का पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है बात? तो वही बीच वाले कार्बन को कोई फर्क नहीं था, पहले भी ये इसके पास एक पाई बॉन्ड था, इस वाले कार्बन के साथ भी और इसके पास भी, तो आज भी इनके पास एक एक पाई बॉन्ड ही है। इसके साथ लॉस हुआ है, इसके साथ फायदा हुआ है, तो एक के ऊपर प्लस वन चार्ज और एक के ऊपर माइनस वन चार्ज आ गया। जिसके ऊपर माइनस वन चार्ज है उसके पास आप बताओगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल में लोन पेयर है, और जिसके ऊपर प्लस चार्ज है उसके पास बताओगे आप खाली ऑर्बिटल है। हाँ या ना? और इस इफेक्ट को हम बोलेंगे रेजोनेंस। तो क्या ये वापिस, ये बनने के बाद वापिस क्या होगा? ये वापिस चला जाएगा। तो टू वे साइकिल है, ये इसमें कन्वर्ट होगा और ये इसमें, तो हमें इस तरह के एरो से समझाना पड़ेगा। तो इधर भी जा, इधर भी जा, इधर भी जा, इधर भी जा, मूवमेंट। तो नेट स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलेगी वो बता है किस तरह की दिखेगी इन दोनों से, ये एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो आपको जब देखने को मिलेगा तो आप डॉटेड बनाना अब आपकी मजबूरी है, ये इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगी। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी एक मॉलिक्यूल की बहुत सारी हो सकती हैं, बिल्कुल, लेकिन हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक ही होती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमारे को लिखने हैं, आप लिखें इसको अभी। क्या ये आपने लिख लिया यहां से यहां तक सबने? हटा दूं मैं, जल्दी लिखें इसको। तो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई और अब हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मैंने वहां बना भी दिया है। तो इतना सब कुछ बनाने के साथ हमारे पास जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं रेजोनेंस से रिलेटेड, वो हमें लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो लिखें क्या पॉइंट्स? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर रेजोनेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर रेजोनेंस, फर्स्ट, क्या लगता है आपको कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एटॉमिक, तो लिखें बिल्कुल, ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन शो रेजोनेंस, ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कैन शो रेजोनेंस।
ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल कैन शो रेजोनेंस, यानी आप मान के चलिए सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल ही रेजोनेंस शो करेंगे, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल भी कौन से, जो एक दूसरे के प्लेन में है। तो अगला पॉइंट होगा ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल कैन शो रेजोनेंस विच आर कोप्लेनर, कोप्लेनर यानी जो प्लेन में है। देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, कोप्लेन में है, लेकिन क्या ये कोप्लेन में है? नहीं। समझ में आ रहा है? तो पी वाई रेजोनेंस होगा, होगा या नहीं होगा? लेकिन पी वाई पी जेड, पी जेड पी वाई पी एक्स नहीं होगा। तो इसका मतलब पी वाई रेजोनेंस पॉसिबल है, लेकिन पी जेड पी वाई पी जेड भी पॉसिबल है, लेकिन क्या पी वाई पी जेड पॉसिबल है? नहीं, पी वाई पी जेड ऑर्बिटल रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? तो हमारे लिए कोप्लेनर होने की वजह से, यानी रेजोनेंस इफेक्ट इज द प्लेनर फिनोमिना, ये दिमाग में हम बिठा लेंगे। रेजोनेंस इज ए प्लेनर फिनोमिना, रेजोनेंस इज ए प्लेनर फिनोमिना। समझ में आ रहा है? तो अगर आप मान के चलते हैं कि रेजोनेंस प्लेनर फिनोमिना है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, और एटॉमिक ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करेंगे तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए डेफिशिएंट, एक होना चाहिए रिच, तभी तो मूवमेंट होगा। मैं तुम्हें दूंगा, या तो तुम उसे आगे फॉरवर्ड कर दो लेकर, या तुम्हारे पास खाली जगह हो रखने के लिए। तो क्या होगा, मेरे पास लोन पेयर हो एटॉमिक ऑर्बिटल में और आपके पास खाली ऑर्बिटल हो। यदि दोनों के पास लोन पेयर है या दोनों के पास खाली ऑर्बिटल है, तो रेजोनेंस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो मैं फिर बोल रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्बिटल होना चाहिए, तो रेजोनेंस होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डेफिशिएंट पॉसिबल नहीं है, रिच रिच पॉसिबल नहीं है, भले वो पैरेलल ही क्यों नहीं हो। तभी अभी तक मैं सिर्फ कैन 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 शो कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो फिर वापस हो गया, ओनली दोस एटॉमिक एटॉमिक कोप्लेनर कोप्लेनर ऑर्बिटल कैन शो रेजोनेंस इन विच वन ऑर्बिटल इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड अदर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डेफिशिएंट। समझ में आ रहा है? तो आप मान के चलिए कार्बन प्लस कार्बन माइनस दोनों में अंतर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच। समझ में आ रही है बात? कार्बन माइनस के अलावा वो सारे एटम जिनके पास लोन पेयर है, फॉर एग्जाम्पल लोन पेयर कंटेनिंग एटम, कंटेनिंग एटम कौन कौन से होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, हैलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब लोन पेयर कंटेनिंग एटम्स है। नाइट्रोजन के नीचे कौन है? फास्फोरस। ऑक्सीजन के नीचे क्या है? सल्फर। वो भी इसी तरह से ट्रीट किए जाएंगे, उन्हें भी इलेक्ट्रॉन रिच एटम की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट?
और यहां कौन सा किया जा सकता है? बोरोन। बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, बोरोन कार्बन प्लस बोरोन ही तो है या नहीं है? है ना? या बेरिलियम माइनस बोरोन है, दिखने के लिए बेरिलियम माइनस है लेकिन बनेगा तो बोरोन ही, एम्प्टी ऑर्बिटल है या नहीं है? है। इज दैट क्लियर? समझने के लिए समझा रहा हूं, बाकी तो बेरिलियम हमारे लिए मेटल की तरह काम करेगा, हम उसे नॉर्मल कोवलेंट कंपाउंड में कंसीडर नहीं करते, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि एम्प्टी ऑर्बिटल है इसके पास, तो बोरोन डस। अगर नाइट्रो कार्बन माइनस हो जाता है तो यहां अब बात आती है कि पाई बॉन्ड, यानी ये वाला कार्बन, ये जो कार्बन है इसके पास पाई बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है रिच भी है, कैसे? ये हमेशा इस तरह से ट्रीट करेगा अपने आप ही, माइनस प्लस, अगर इसे इस कार्बन पे प्लस है ये तो प्लस बन जाएगा, इस कार्बन पे माइनस ये माइनस बन जाएगा, सब कुछ बनने की औकात है इसकी, ठीक है ना? अगर इसको प्लस है ये तो ये इधर जाएगा, और इसको माइनस है ये तो ये पूरा इस तरफ आ जाएगा, समझ में आ रहा है? तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन क्या है, दोनों ही तरह से ट्रीट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये हमारे लिए हो गया डबल बॉन्ड बॉन्डेड कार्बन, मे बी इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दोनों तरह से हो सकता है, सामने वाला अगर अमीर है तो वो गरीब बन जाएगा, और गरीब है तो वो अमीर बन जाएगा, मिडिल क्लास फैमिली का आदमी है, देख लेता है सामने वाला कैसा है, मतलब अपने राजस्थानी जैसा है, सामने वाले को अगर पूरा गांव का है तो अच्छी खासी इंग्लिश बोलने लगते हैं, और अगर सामने वाला बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है तो फिर क्या बोलते हैं? हिंदी। सही है ना? डिपेंड करता है सामने वाले के अकॉर्डिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है और इलेक्ट्रॉन रिच भी है, तो ये बात तो है हमारे को कि अच्छे से आइडिया हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब होगा और रिच कब हो सकता है, तो कहाँ रेजोनेंस हो सकता है। तो आप ही बताइए कि यहाँ पर प्लस है और ये प्लस है, क्या यहाँ रेजोनेंस होगा? क्या नहीं? नहीं नहीं नहीं। सही है, क्यों? क्योंकि दोनों डेफिशिएंट है, ये माइनस है ये माइनस है, दोनों के पास लोन पेयर है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या ये होगा? हाँ। क्यों होगा? क्योंकि यहां प्लस है तो ये अपने आप क्या बन जाएगा? माइनस। क्या बन जाएगा? माइनस। ये वाला इस तरफ शिफ्ट होगा, सही है? तो क्या ये रेजोनेंस होगा? हाँ। यहां माइनस बन जाएगा, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस। और अगर यहां पर माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस, क्या रेजोनेंस हो जाएगा? हाँ। दो कंसिक्यूटिव हमारे पास कार्बोकेटायन कार्बोनायन डज नॉट शो रेजोनेंस। इस तरह हमारे पास रेजोनेंस होता है, ये हमारे पास क्या ये रेजोनेंस हो जाएगा? हाँ। क्यों? क्योंकि जब ये देखता है तो यहां पर मान लीजिए प्लस बनाना है, एक तरफ क्या बनाना है? माइनस। इसको प्लस बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होगा, और फिर इन दोनों में बॉन्ड बन जाएगा। कोई डाउट? तो क्या यहां रेजोनेंस हो सकता है? हाँ। हम ये सभी तो पढ़ रहे हैं, इज दैट क्लियर? यस और नो? तो रेजोनेटिंग पॉइंट्स के लिए हमारे लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट हो गया। जब मूवमेंट होता है तो हमें उससे क्या मिलती है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हर एक मूवमेंट से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है,
तो ये भी हमारे लिए पॉइंट हो गया. ईच मूमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये हमारे लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती जा रही है. एंड टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन बिटवीन, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी यूज डबल साइड एरो साइन, डबल साइड एरो, फुल एरो साइन, फुल एरोमेटिक हमारे सॉरी फुल रेजोन साइड, फुल एरो साइन हम यूज करेंगे दो एरोमेटिक सॉरी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में. समझ में आ रहा है? तो दो कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके बीच में दिस. लेकिन हम जानते हैं ये मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि हम सेपरेटली ये नहीं बोल सकते कि ये एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी. तो जितनी भी ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी बोल दो, एंड जनरेट ओनली ऑन पेपर, ओनली ऑन पेपर. आप पेपर में ही बता सकते हो. इन रियल वे, रियल वे हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो कि किससे जनरेट हो रही है, जनरेट बाय रेजोनेंस इफ स्ट्रक्चर, इज ए रियल स्ट्रक्चर. मैंने आपको बेंजीन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था. दो अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की थी, जबकि रियल स्ट्रक्चर हमारी कैसी थी, एक ही थी. तो ये हमारे लिए बहुत इजी इजी पॉइंट्स हो रहे हैं जो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो उसे भी हमें साइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. द मूवमेंट, नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शो बाय इस तरह से बोलना पड़ेगा, सिंगल साइड कर्व एरो, फुल एरो साइन, फुल एरो है. ये देखिए पूरा एरो है, आधा नहीं है, आधा ऐसा होता, सिर्फ ऐसे शो करते, फुल एरो साइन. फुल जनरली दो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को बताता है, और हाफ बताता है एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो. कभी ऐसे भी शो कर सकते हैं अपन, सिर्फ आधा, और पूरा कैसा होता है, ऐसा. तो ये हमारे सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और ये हमारे टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को बताता है. लिख लो ये दोनों भी बना के, सिंगल साइड ही बताएंगे. यहां से इस तरफ से मूव हुआ है, यानी कि ये डोनर पोजीशन, ये एक्सेप्टर पोजीशन. ये तो है डोनर पोजीशन और ये है एक्सेप्टर पोजीशन, जहां मिला है उसे. ये एक और हमारे पास पॉइंट हो गया रेजोनेंस इफेक्ट के लिए. हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आ गए.
सही है। तो हमने बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, क्यों बनाई? क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इसका मतलब किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हाइब्रिड स्ट्रक्चर बहुत 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 ज्यादा स्टेबल होती है। तो हम बोल सकते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एज एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअल में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मैं अब आरएस लिखूंगा, बहुत बड़ा नाम है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब आरएस। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों की एनर्जी बराबर है, इक्वल स्टेबल। लेकिन इनसे ज्यादा स्टेबल है कौन? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इक्वल बट लेस स्टेबल, इक्वल बट लेस स्टेबल। दोनों इक्वल हैं लेकिन लेस स्टेबल है, जबकि ये हाइब्रिड है, हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर है, हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर दिमाग में ये बिठा के चलना, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो नीचे जाएगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? कम। फिर बोल रहा हूं, आप स्टेबल कहां है, जमीन पे या आकाश में? जमीन पे। तो स्टेबल स्ट्रक्चर नीचे रहती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और अनस्टेबल की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? इनकी। इसकी क्या होगी? कम। इज दैट क्लियर? ये ज्यादा स्टेबल है, कोई दिक्कत? तो ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने, रेजोनेट्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो रेजोनेंस के लिए एक बार और मैं बोलता हूं, जो आपको याद रखना है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल से हो रहा है, और वही एटॉमिक ऑर्बिटल जो प्लेन में, सेम प्लेन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट को लेते कि सेम प्लेन वाले ही पार्टिसिपेट करेंगे, इसका मतलब क्या? तो मैं आपको फिर बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है और एक डबल बॉन्ड वाला है, तो ये तो लीनियर होगा, sp हाइब्रिडाइज लीनियर होता है, और sp2 ट्रायंगल होता है। लेकिन आप कहेंगे ये भी ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है, आपकी बात मान लिया मैंने, ये लो, अब तो सही है, ये लीनियर हो गया, कोई डाउट? इसके पास एक सिग्मा है, दो पाई है। मान लीजिए ये वाला पाइप जो बन रहा है वो, ये एक्स वाई प्लेन है, ये पीजेड, पीजेड की वजह से बन रहा है। किस वजह से? पीजेड, पीजेड की वजह से। पक्का? ये एक्स वाई प्लेन है तो पीजेड कहां होगा? इस तरह से होगा प्लेन में। इसके पास दो पाई बॉन्ड है, एक पीजेड पीजेड और एक पीवाई पीवाई, यानी इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। तो क्या ये वाला पार्टिसिपेट करेगा? नहीं, कोप्लेनर वाला ही कर पाएगा रेजोनेंस में, सही है? तो कौन सा करेगा? सिर्फ ये। यानी अगर किसी के पास ट्रिपल बॉन्ड है तो ये मत सोचना थोड़ी देर ये कर ले, जब थक जाए तब तू कर लेना, ऐसा नहीं होता है, हमेशा एक ही करेगा। इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ओनली वन पाई बॉन्ड कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो ये भी अगला पॉइंट हो गया, इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ओनली वन पाई बॉन्ड टेक्स पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। समझ में आ रही है बात? तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो गया कि ट्रिपल बॉन्ड है तो सिर्फ एक ही करेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है? ये देखिए, आपने कहा ये है,
ठीक है। मैंने यहां पर नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है, और इसके ऊपर लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है, समझ में आ रहा है? मान लीजिए इसका जो पाई बॉन्ड है वो पी जेड पी जेड का है, समझ में आ रहा है बात? इसके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी पी जेड और पी जेड का है, तो ये पी जेड में आ ही नहीं सकता, ये किस में जाएगा? पी वाई में। और अगर ऑलरेडी ये है तो ये रेजोनेंस में नहीं आएगा, इस कंडीशन में ये लोन पेयर पी वाई में भी नहीं जा रहा, ये हाइब्रिड में चला जाएगा। किस में जाएगा? ये हाइब्रिड में, क्योंकि इसको मतलब ही नहीं, जब ऑलरेडी रेजोनेंस कर रहा है इसका एक पी जेड पी जेड, पी वाई में आके रेजोनेंस कर, पी वाई में आने से क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि रेजोनेंस तो तब भी नहीं हो रहा। तो जब इसको लगेगा कि मेरा लोन पेयर पी वाई में जाएगा और रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, तो वापस गुस्से में आके क्या करेगा? हाइब्रिड में चला जाएगा, समझ में आ रहा है? लोन पेयर हाइब्रिड में भी रह सकता है और एटॉमिक ऑर्बिटल में भी रह सकता है। तो अगर उसे रेजोनेंस का फायदा मिल रहा है तो एटॉमिक में रहेगा, नहीं तो हाइब्रिड में रहेगा। तो बताइए इसको फायदा मिलेगा क्या? नहीं, एक ही एटम के दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? तो इसके पास भी दो थे लेकिन मजबूरी थी, दोनों पाई बनेंगे वहां, तो करेगा एक ही, तो इसके पास मजबूरी नहीं है, एक कर रहा है तो अब ये पाई बॉन्ड बनाए एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं रहेगा, ये किस में जाएगा? हाइब्रिड में, समझ में आ रहा है? तो इस जगह व्हेन लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट ऑन सेम एटम देन पाई बॉन्ड टेक्स पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, क्योंकि वो तो पैदाइशी एटॉमिक ऑर्बिटल का होता है। इसको एक बार और समझाऊंगा मैं आपको, एक बार लिख लो, इन केस व्हेन लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट ऑन सेम एटम देन only pi bond participate in resonance, and finally lone pair convert in हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड सो दैट कैन नॉट टेक्स पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। समझ में आ रहा है? पक्का? तो आप मुझे बताएं, ये पाई बॉन्ड है या नाइट्रोजन लगा हुआ है, यहां लोन पेयर है, क्या ये लोन पेयर है जो ने इसमें पार्टिसिपेट करेगा, हाँ या ना? हाँ करेगा, क्योंकि ये अकेला है। आप कहेंगे नाइट्रोजन की तो तीन वैलेंसी होती है, बाकी की बची हुई वैलेंसी किससे अटैच होगी? हाइड्रोजन से। क्या ये करेगा? नहीं, क्योंकि इसका पाई बॉन्ड है, तो ये वाला नहीं करेगा लोन पेयर, ये कर रहा है ना? तो अब बताओ ये लोन पेयर किस में रहेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल में, ये वाला। और ये किस में रहेगा लोन पेयर? हाइब्रिड में। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा होता है और एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा होता है, अप एंड डाउन दोनों डायरेक्शन में। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन था, व्हाई हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन नॉट शो रेजोनेंस। आंसर साफ ही है, क्योंकि
प्लेनर फिनोमिना है, जितना ऊपर होना चाहिए उतना ही नीचे। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है, ऊपर बहुत बड़ा है एक तरफ और एक तरफ बहुत छोटा होता है। तो ये क्या सिमिलरिटी रूल रखेंगे, एक्सेस के एक तरफ बहुत ज्यादा है एक तरफ बहुत कम है, तो इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल से आप रेजोनेंस इफेक्ट नहीं शो कर सकते। किसे शो कर सकते हो आप, एटॉमिक ऑर्बिटल से। समझ में आ रहा है, ड्यू टू डिससिमिलरिटी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड न्यूक्लियस। तो ये भी हमारा पॉइंट बन सकता था। समझ में आ रही है बात। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में अंदर तक बैठा के चलना है। लिखें इसको, एक और पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, फॉर ए कंपाउंड लिखना पड़ेगा, फॉर ए कंपाउंड नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। बट हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज पॉसिबल ओनली वन, इज पॉसिबल ओनली वन, एक ही होगी। प्रजा बहुत सारी है, राजा एक ही है यहां पर, और वो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। समझ में आ गया बात। एक और पॉइंट जो मैंने आपको बोला था, लिखाया नहीं था, वो भी हमारा इंतजार कर रहा है कि sp3 hybridized कार्बन बैरियर का काम करता है, रेजोनेंस तोड़ देता है। समझना, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वर्क एज बैरियर, रेजोनेंस बैरियर, बैरियर है एंड ब्रेक रेजोनेंस इफेक्ट। अगर आपके पास ये है तो क्या रेजोनेंस होगा, हाँ। अब रेजोनेंस करके दिखाओगे, नहीं होगा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया बीच में। समझ में आ गया। तो बीच में sp3 हाइब्रिडाइज आते ही आपका रेजोनेंस रुक जाएगा। मैं ये कह रहा हूं इस तरफ से उस तरफ रुक रहा है, क्या ये हम पूरी तरह से रोक देता है, नहीं। यहां तो पूरी तरह से रोक दिया, यहां तक हो सकता है रेजोनेंस पॉसिबल ओनली दिस पॉइंट टू टिल दिस पॉइंट। क्योंकि सारे sp2 हैं, sp2 आते ही वो भी कोई दिक्कत नहीं है, sp2 शो कर सकते हैं, sp3 आते ही ब्रेक हो गया। बेचारे इसको कहां मिलेगा, ये तो अकेला ही है sp2 टिल दिस पॉइंट। यस और नो, इसके बाद नहीं होगा। तो ये हमने रेजोनेंस के बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े। क्या चार्ज भी डिलोकलाइज हो सकता है, हाँ, चार्ज भी डिलोकलाइज हो रहा है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चार्ज भी डिलोकलाइज होता है, तो इसीलिए कार्बोकेटायन कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट, इन केस ऑफ C+ एंड C- कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन,
क्योंकि एक तो नॉर्मल केस होता है जहां कोई चार्ज नहीं था, एक चार्ज वाले केस हो रहे हैं। इन केस ऑफ सी प्लस एंड सी माइनस रेजोनेंस इज मोर स्टेबल, मोर इफेक्टिव। ब्रैकेट में लिख सकते हैं एज कंपेयर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के कंपेयर में, ये न्यूट्रल है। रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू दिस इन केस ऑफ दिस एंड प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी एंड शो मोर रेजोनेंस एनर्जी, मोर रेजोनेंस एनर्जी। तो जहां चार्ज है वहां रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, और जहां न्यूट्रल है वहां रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा नहीं होगी। ये बात दिमाग में बिठा के रखना, हिंदी में भी लिख लिया करो कुछ पॉइंट्स। जहां चार्ज है वहां रेजोनेंस एनर्जी न्यूट्रल के कंपेयर में हमेशा ज्यादा होगी। बहुत अच्छी लाइन है ये, क्योंकि वहां रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होगा। यस और नो? आपने रेजोनेंस के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स मेरे से अंदर तक पूछे हैं, ठीक है? कोई डाउट आपका? नहीं, लिखें इसको। देखिए कुछ खास बातें रेजोनेंस के लिए और। रूल फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ओनली पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, देयरफॉर द सिग्मा बॉन्ड स्केलेटन विल रिमेन सेम इन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी कि आप मान के चलिए कि सिग्मा का स्केलेटन सेम रहेगा, कोई भी एटम अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक एटम एटलीस्ट एक सिग्मा बॉन्ड से तो जुड़ेगा ही, और सिग्मा बॉन्ड कभी भी नहीं टूटेगा, तो एटम की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगी। द एटम्स आर नॉट मूव्ड, एटम मूव नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और वो भी पाई वाला, जिस यानी पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहले सिग्मा बनने के बाद पाई बनता है, डायरेक्ट पाई तो बनता नहीं है। द नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड पी इलेक्ट्रॉन आर सेम इन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। भाई ये मान के चलिए दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों में पेयर्ड और अनपेयर्ड क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, अलग नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये कार्बन है और इन्होंने अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन ले लिए और इस तरह से बना लिए, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है? तो पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग हुए या नहीं हुए? हो गए, आप बताओ हुए या नहीं हुए? नहीं हुए, ठीक है ना? लेकिन अगर एक एक इलेक्ट्रॉन लिए होते जैसा दिख रहा है, बिल्कुल एक इसने ले लिया एक इसने ले लिया, तो अब किसी पे भी चार्ज नहीं आएगा। अगर एक ही तरफ गए होते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्या अब ये रेजोनेंस इफेक्ट कहलाएगा? रेजोनेंस नहीं, नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ गए होते तो पेयर्ड से पेयर्ड में आते, बॉन्ड अपने आप में पेयर्ड ही होता है। समझ में आ रहा है? बॉन्ड अपने आप में क्या है? पेयर्ड है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेना अपने आप में, ये भी अनपेयर्ड हो गया, ये भी अनपेयर्ड हो गया। पहले कितने अनपेयर्ड थे? जीरो। तो क्या ये दोनों इफेक्ट अपने आप में, ये क्या इफेक्ट है? क्या ये रेजोनेंस इफेक्ट है? नहीं, दैट इज नॉट ए रेजोनेंस। तो ये यहां उतार के लिख लीजिएगा, दैट इज नॉट ए रेजोनेंस, कहीं पे भी इसमें लिख लीजिएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाते हैं, यहां माइनस यहां प्लस, तो ये रेजोनेंस हो जाता। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने अलग से लिया है समझाने के लिए। नेक्स्ट, द ऑक्टेट रूल इज नॉट वायलेट। ऑक्टेट रूल कौन तोड़ना चाहेगा? बल्कि ऑक्टेट रूल तो बनाना चाहेगा, ठीक है ना? लेकिन कुछ हायर ऑर्बिटल है जहां पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, हायर पीरियड, सेकेंड पीरियड तक तो ऑक्टेट रूल लग रहा होता है। हाई एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आर एस का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आर रिजेक्टेड। भाई इतनी हाई एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि किन्हीं भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक ये है एक ये, इतना चलता है पक्का, थोड़ा सा, लेकिन इतना नहीं चलेगा,
नहीं चलेगा, डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया। तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अगर है तो हम हाई एनर्जी वाले को रिजेक्ट कर देंगे, खत्म। हाई एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर रिजेक्टेड एज पर सोनेटिंग स्ट्रक्चर और देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ठीक है। तो हम वहां पर बात समझ रहे हैं, कंडीशन फॉर रेजोनेट ऑल एटम्स पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस मस्ट बी एसपी एसपी टू, मैं पहले ही बता चुका हूं एसपी थ्री में एटॉमिक ऑर्बिटल होता ही नहीं है तो कैसे लेगा। द पैरेलल पी ऑर्बिटल ओवरलेप टू ईच अदर, सारे ईच एक दूसरे के साथ ओवरलेप कर रहे हैं, पक्का बिल्कुल सही है। मॉलिकुलर शुड बी कॉन्जुगेट इन सिस्टम, कॉन्जुगेट होना चाहिए, बीच में अगर एसपी आ गया एसपी थ्री आ गया तो फिर वो कॉन्जुगेशन टूट जाएगा। क्या ये कॉन्जुगेशन है देखते हैं, हाँ सारे एसपी टू है, दैट इज द कॉन्जुगेटिंग सिस्टम, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो ये कॉन्जुगेटिंग है, ये कॉन्जुगेटिंग सिस्टम है नहीं, बीच में एसपी थ्री आ गया, समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट है, इन रेजोनेंस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिटल सो डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई, सो इट इज ए डोमिनेटिंग इफेक्ट एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में आपको मैंने अच्छे से बताया था ऑर्बिटल चेंज नहीं होता, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होता, सेम ऑर्बिटल में दाएं बाएं शिफ्ट होता है और कोई दिक्कत नहीं है लेफ्ट राइट, लेकिन यहां तो ऑर्बिटल चेंज हो जाता है। तो अगर हम इससे कभी किसी कार्बोकेटायन या कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं और इंडक्टिव से भी वही आ रहा है आंसर सेम, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग आ रहा है तो जो ये देगा आंसर वो सही माना जाएगा, जो इंडक्टिव देगा वो क्या माना जाएगा गलत, क्योंकि डोमिनेटिंग इफेक्ट रेजोनेंस है। हाँ या ना, अच्छे से समझ में आ गया। बस अब हम रेजोनेंस को और ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, पहले ये लिख लीजिए।